बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एडवोकेट हो या आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आप कोर्ट के अंदर जो अपने केस के लिए प्रोसिक्यूट करने के लिए गए हो, आपका एक मैटर कोर्ट में लगा हुआ है, आप गए कोर्ट के अंदर और जज साहब के सामने आपका मैटर लगा हुआ है, जज साहब ने आपसे दो चार क्वेश्चन पूछे केस के रिगार्डिंग ही, फैक्ट्स के रिगार्डिंग ही, आपको वो फैक्ट्स अभी नहीं पता थे और आप अभी अच्छे से अपना केस को प्रिपेयर करके नहीं भी गए थे, मैं ये मान रहा हूं आपकी गलती है, ठीक है ये मान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर आप जो है फंबल भी हो गए थोड़े, जज साहब के सामने आप एडजमेंट्स के लिए जज साहब से रिक्वेस्ट भी करने लगे, कोई भी एक्स वाई जेड बात हुई आपके और जज साहब के बीच में, कोई भी कोर्ट रूम के अंदर बात चल रही है, ठीक है। अब यहां पर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी जा रही है लाइव स्ट्रीमिंग के तौर पे, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग का ही ये हर जगह पे मैटर चल रहा था, ये बात मैंने आपको क्लियर तौर पे आपको अच्छे से पता होगी मेरे ना भी बताने की वजह से। अब यहां पे क्या हो गया, अब इनमें से कोई एक्स नाम का व्यक्ति है आपकी जो जज साहब के सामने और आपकी जो ये आपस में कम्युनिकेशन हुई है कोर्ट रूम के अंदर, वीडियो जो है रिकॉर्ड हुई है, उस वीडियो को एक एक्स नाम का व्यक्ति निकालता है, कटिंग करता है, आपकी जो बेइज्जती हुई है कोर्ट रूम के अंदर या फिर आपकी जो कम्युनिकेशन कोर्ट रूम के अंदर हुई है उसकी कटिंग करके एडिटिंग करके आपको जो है गलत एक तरीके से एडवोकेट की बेइज्जती हो गई है या जज साहब ने एडवोकेट को बहुत डांटा है ऐसा मैं जो है टाइटल लगा के एक यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी वीडियो में पोस्ट कर देता हूं, तो आपकी बनी बनाई इतने सालों की रेपुटेशन, बनी बनाई आपके क्लाइंट्स की मेहनत, आपने जो करी है अपने क्लाइंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए, या इन फ्यूचर आपकी जो रेपुटेशन और अच्छी बनने वाली थी वो सारी तबाह हो जाएगी, वो सारी डाउन हो जाएगी, हाँ या ना। अब लोग आपके प्रोसीडिंग्स को देखेंगे तो लोग आपको बेवजह जज करने लगेंगे कि यार ये कैसा वकील है, इसको अपने केस के बारे में नहीं पता, इसको अपने फैक्ट्स के बारे में नहीं पता। वो कौन होते हैं आपको ऐसा जज करने के लिए, कोई भी नहीं होते, क्योंकि ये कोर्ट रूम के अंदर जो जज साहब और एडवोकेट के बीच की कम्युनिकेशन होता है वहां पे ये एक तरीके से वहीं तक सीमित रहना चाहिए, वहां पे जो है पब्लिक, वरना अगर ऐसा होता तो टीवी पे क्यों नहीं दिखाते हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, इसलिए ही नहीं दिखाते क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, यहाँ पे एक इंसाफ दिलाने के लिए पर्टिकुलर क्रिमिनल्स के प्रोसिक्यूशन के यहाँ पे फैक्ट्स को हम डिस्क्लोज इतना इजीली नहीं कर सकते, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे हमारे कानून हैं जो इनको रिस्ट्रेन करके रखते हैं, सही बात है। लेकिन यहां पर जो है आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के तौर पे लोग जो है वीडियो अगर आपके पब्लिश कर दे तो आपकी रेपुटेशन तो कुछ रही नहीं, अब अगली बार से आपका जो इतना अच्छा केस आप एक एडवोकेट के तौर पे अपना केस लड़ सकते थे तो उतना आप कॉन्फिडेंटली अपना केस लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। इसीलिए अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर, Instagram के ऊपर ऐसा कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस उल्टे सीधे टाइटल डाल के अपना एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एक कमर्शियल पर्पस के लिए और एक इनडायरेक्ट मोटिव का इस्तेमाल करके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इसीलिए गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इसके ऊपर आवाज उठाई है, रिसेंटली अभी चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात हाईकोर्ट को नोटिस भेजा है, लेटर लिखा है साफ तौर पर, कड़े तौर पर। तो याद रखिएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो बहुत अच्छे तरीके से मिसयूज करी जा रही है लोगों के द्वारा, तो ऐसा ना हो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और यहां पे जो है बहुत बड़ा एक मैटर गुजरात हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनके पास गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के द्वारा भेजा गया अपना एक लेटर फाइल करके, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहां पर क्या हुआ था कि गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने यह बोला कि जज साहब यहां पे जो है ना एक्सटेंसिवली बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत ओपनली जो है गुजरात हाईकोर्ट के जो लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के जो रूल्स हैं 2021 के तहत वो उनका वायलेशन हो रहा है। यहां पे रूल नंबर 4 भी इस पर्टिकुलर रूल्स का, हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स ऑफ 2021 रूल नंबर 4 के तहत एक बात ये लिखी हुई है कि जितने भी मैट्रिमोनियल के मुद्दे होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं जो बच्चे जहां पे इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो है लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल भी नहीं करा जाएगा। लेकिन खुले तौर पे करा गया है, खुले तौर पे वायलेशन करा गया है इतने बड़े बड़े रूल्स का। और लाइव स्ट्रीमिंग तो किसी की भी नहीं हो सकती, सिर्फ किस लिए, एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उल्टे सीधे टाइटल डाल रखे हैं। तो इसी वजह से जो है गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन यहां पे आया और इन्होंने एक क्लेम करा है और एक चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट के पास एक गुहार लगाई है कि यहां पे जज साहब हमारे पास डेली 4 से 5 कंप्लेंट्स पर डे आती हैं एडवोकेट्स की, एडवोकेट यहां पे आते हैं कि भाई साहब हमारी गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन यहां पे हमारी वीडियो अपलोड हो गई है और यहां पे जो है हमारा टाइटल कुछ और ही बदनाम करते हुए हमारा टाइटल डाला गया है इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, इस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, वगैरह वगैरह। तो यहां पे तो हमारी बदनामी है, हमारी रेपुटेशन को भी बची ही नहीं है। अब गुजरात हाईकोर्ट में हम कभी प्रोसीडिंग्स करने जाएंगे तो हमारे मन में डर बना रहेगा,
तो यहां पे हमारा फ्रीडम बिल्कुल छीनी जा रही है। तो इसी वजह से यहां पे गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन सीधा चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात हाईकोर्ट के पास पहुंचा है इस मुद्दे को लेके, और यहां पे क्लेम करा जाए कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व है, अनऑथराइज तरीके से वो कॉपिंग कर रहे हैं वीडियो को, एडिटिंग कर रहे हैं वीडियो क्या, सर्कुलेट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल की मदद से या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की मदद से या अपने फेसबुक अकाउंट की मदद से, इसको जो है रोका जाए। और यहां पर जो है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज बीन यूज बाय वेरियस पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है यूज भी करी जा रही है केवल और केवल एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये बैन है वैसे इंडिया में, याद रखिएगा, और कमर्शियल पर्पस के लिए भी ये भी बैन है इनडायरेक्ट मोटिव के साथ में, जो बिल्कुल गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां पे जो है गुजरात हाईकोर्ट ने अपने लेटर में एक बात ये भी लिखी है कि जितनी भी वीडियोज है ना वो सारी की सारी वीडियोज हार्म कर रही है एडवोकेट्स की रेपुटेशन को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर रिक्वेस्ट करी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करिए कि जस्ट साहब आप जो है सुओ मोटो इसका मुद्दा मैटर लीजिए, और जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं और जितने भी फेसबुक अकाउंट्स हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा जाए। तो रीसेंट अभी कुछ दिनों में आप वेट करिए, यहां पे पटना हाईकोर्ट के अंदर भी पिटीशन डलेगी, गुजरात हाईकोर्ट में डल चुकी है, और जो चीफ जस्टिस हैं वो सबके जो है रिमूव करने का वीडियो या फिर कुछ ऐसा रूल बनाएंगे जरूर, याद रखिएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है अपने आप को वहीं पे रोक दीजिए, वरना आपके लिए यहां पे कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस आना एक आम बात हो जाएगी, फिर आपको लीगल जो सर्कमस्टांसेस होती है, कॉन्सिक्वेंसेज होती है, वो फेस करना बहुत मुसीबत वाला काम होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।